बीजेपी विधायक बंदा मात्रे के जन्मदिन पर सानपड़ा में सांस्कृतिक महोत्सव, महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम और नृत्य स्पर्धा। बेलापुर की बीजेपी विधायक बंदा मात्रे के जन्मदिन पर सानपड़ा के युवा नेता पांडुरंग आमले द्वारा हल्दी कुमकुम और नृत्य स्पर्धा समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बीजेपी विधायक बंदाताई मात्रे खासतौर पर मौजूद रही और महिलाओं का हौसला बढ़ाया। विधायक ने यहाँ विविध स्पर्धाओं के विजेताओं की लॉटरी निकाली, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। नोइंबई की लोकप्रिय विधायक के तौर पर मशहूर मंदाताई मात्रे ने अपने बर्थडे पर ऐसे मनमोहक आयोजन के लिए युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले की तारीफ की और नागरिकों से मिले अपार प्यार को बड़ी जिम्मेदारी बताया। पांडुरंग आमले ने इतना बड़ा प्रोग्राम लेके आज इतने लोगों को बुलाया, इनके काम होते हैं वो काम करने की जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। और पांडुरंग आमले जैसे लोगों को, समाज सेवकों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि समाज में समाज सेवा कभी भी मत छोड़ो। टिकट मिले नहीं मिले मगर काम करते रहो। ऐसे कार्यकर्ता पांडुरंग आमले जैसे होते हैं तो समाज में लोगों को एक साथ जोड़ के आपने देखा कितनी महिला स्टेज पर कार्यक्रम कर रही है। आत्मविश्वास जगाने का काम पांडुरंग आमले ने किया। वहीं युवा नेता और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करने वाले समाजसेवी पांडुरंग आमले ने कहा कि कार्यक्रम में नागरिकों की भीड़ लोकप्रिय विधायक मंदाताई मात्रे के प्यार के कारण ही आई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देवी के चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं, उसी तरह हमने इन कार्यक्रमों के जरिए अपने विधायक को शुभकामना देने की एक कोशिश की है। ये अर्पण ही किया हुआ है और ये मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए इतनी महिला ही आई हुई है। ये सब ताई का जो काम है, ताई ने आज तक हमारे प्रभाग में, हमारे बेलापुर विधानसभा में जो भी काम किया है उसका ये नतीजा है। आज इतने स्वरूप में, इतने बड़े स्वरूप में महिलाएं यहाँ पे आई हुई है, वो सब ताई के काम के वजह से आई हुई है। और ये सब ताई के ऊपर जो भी प्यार है वो आज सबको दिख रहा है और ये सब शुभकामनाएं देने ताई के लिए आए हुए। धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा है कि ताई का प्यार और ताई का आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा ऐसे रहे और ताई दिन ब दिन और अगले 5 साल नहीं और अगले 15 साल ऐसे ही आमदार रहे, यही मेरी मन से दिल से शुभकामनाएं और ताई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि इस कार्यक्रम में फैशन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी जिसमें तमाम गृहणियों ने हिस्सा लिया। यहां स्मिता पाटिल को विनर घोषित किया गया जबकि आशा थोड़ा सेकंड रनर अप रही। उन्होंने सांस्कृतिक मंच को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला मंच बताया और इसे उपलब्ध कराने वाले युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले और उनके जन सेवी कार्यों की सराहना भी की। बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ है तो पूरा दिन घर पे काम करते रहते हैं और कभी ऐसे सोचा भी नहीं कि ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसा प्राइज मिलेगा। कॉलेज के टाइम पे तो बहुत सारा ऐसे विनर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल अगर महिला आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। महिला जानती है, घर चलाना जानती है तो वो बाकी सब भी वो जान सकती है। इसलिए महिला को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको संधि मिलना चाहिए कि वो कुछ कर सके, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहिए कि आप भी हो, आप भी कर सकते हो। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये मंच पाके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।